खरसिया उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेलू में शुक्रवार को शहीद ग्रेनेडियर खिव सिंह भाटी प्रतिमा अनावरण समारोह पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड प्रेम सिंह बजनौर के मुख्य अतिथि में समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम सिंह बजनौर व पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार ने कहा कि शहीद खिव सिंह ने देश की रक्षा के लिए प्राण निछावर कर अपने गांव जेलू का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि धन्य है ऐसी माताएं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व ओशिया विधायक बेराराम सियोल ने कहा कि भगवान की तरह देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले सेना के जवानों की पूजा होनी चाहिए। कार्यक्रम में शहीद की माता भंवर कंवर का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम के बीच बीच में शहीद खिव सिंह भाटी जिंदाबाद के नारे भी लगे तो शहीद की मां भावुक हो गई। इस मौके पर कर्नल उदय सिंह राठौड़, मोहन सिंह भाटी, पूनम चंद दादीच, गंगाड़ी सरपंच बेराराम पालीवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज जैसे ग्राम पंचायत जलू के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। 1985 में शहीद हुए अमर शहीद खिव सिंह भाटी साहब का 35 सालों के बाद आज ये शुभ दिन आया। गांव के वालों के लिए भी हर्ष उल्लास का मौसम है। मैं सबसे पहले तो ऐसे शहीद के माता जी के चरणों में नमन करते हुए शहीद परिवार को मैं हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। इससे पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थी, मैं इस मौके पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने कभी भी ऐसा शहीद और शहीदों के परिवार को कभी ध्यान नहीं दिया। ये ऐसा इतिहास में पहली बार होगा। शहीद की मूर्ति का अनावरण था आज, तीन मूर्तियों का अनावरण है। पहला मूर्ति अनावरण है और इन्होंने देश के अंदर, आज मैं ये समझता हूँ इस देश में कोई देन है देने शहीदों की है, वर्तमान फौजियों की है, रिटायर्ड सेना के अधिकारी फौजियों की है। तो इन लोगों का जिता आप और हम इस देश में लड़े बड़े सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को मान सम्मान देना चाहिए। शहीद की मूर्ति कहीं भी हो तो सलूट करना चाहिए यदि उधर से गुजर रहे तो, और इसके अलावा यदि कोई रिटायर्ड जिसको गौरव सेनानी बोलते हैं वो कहीं भी मिले उनको भी अपन को सलूट देना चाहिए कि इस देश में सारी की सारी सुरक्षा आज जो अपन सब लोग बैठे जिंदे बैठे पानी पी रहे सांस ले रहे हैं वो भी इन लोगों के कारण से। इसलिए हम मिशन है हमारा कि पूरे राजस्थान में शहीदों की मूर्ति लगानी है। आज तक आपने कितने मूर्ति लगाई? 400 लग गई है, 1000 बाकी है जो लगाएंगे जैसे जैसे समय मिले।